और मेरे छोटे कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे ठंडाई घर में। जी हाँ, कॉन्सेंट्रेट ठंडाई बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि पाउडर बनाएंगे, और बिल्कुल अच्छी बनाएंगे जो बाज़ार में मिलती है उससे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब लोग बाज़ार से ठंडाई खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो जब दूध में मिलाकर पीते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग चीनी पी रहे हैं या फिर ठंडाई पी रहे हैं। आज घर में प्योर वाली ठंडाई बनाएंगे, फ्लेवर एकदम झकास आएगा, एकदम ठंडक मिलेगी आपको इससे, और रेसिपी बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए होली मनाते हैं घर में ठंडाई बनाकर। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ठंडाई के लिए जो नट्स होते हैं, मसाले होते हैं, उसको सोक करेंगे ताकि नट्स फूल भी जाए और मसालों का फ्लेवर भी बढ़िया हो जाए। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बादाम लिए हैं, उसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच काजू लिया है। मैं इसमें आधा चम्मच सौंफ भी डाल दूंगा। सौंफ का बहुत ही बढ़िया ठंडा वाला फ्लेवर आता है दोस्तों। हम लोग इसमें मगज भी डाल देंगे, मगज को वाटरमेलन सीड भी बोला जाता है। और ठंडाई में काली मिर्च नहीं डले तो वो फ्लेवर ही कहाँ से आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च डाला है। हम लोग काली मिर्च को भिजा देंगे ना, उसकी वजह से उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। मैंने इसमें पिस्ता भी डाला है 1 बड़ा चम्मच। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे पोसत। पोसत आपको पता होगा, खसखस भी बोला जाता है उसको, या फिर पॉपी सीड्स भी बोला जाता है। बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आता है उसकी वजह से। अब हम लोग इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डाल रहे हैं। 4-5 बहुत होगी दोस्तों। अभी मैं आधा लीटर ठंडाई बना रहा हूँ ना, तो वो गुड अमाउंट है। अब हम लोग इसमें केसर भी डालेंगे। मैंने यहाँ पर है ना कुछ धागे केसर के लिए, बेसिकली 2 चुटकी। अभी हम लोग फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं केसर, बाद में फिर से डालेंगे कलर के लिए। ये हम लोग का ड्राई मिक्सचर तैयार हो चुका है, अभी हम लोग को इसको भिजाना पड़ेगा। तो मैं इसमें अभी गर्म पानी डाल रहा हूँ। गर्म पानी डालने की वजह से हम लोग इसको सिर्फ 4 घंटे भिजाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ठंडा पानी में भिजा रहे हो तो आपको 6 से 7 घंटे भिजाना पड़ेगा इसको। मैंने इसको सिर्फ 4 घंटे भिजाया है दोस्तों, लेकिन आप अभी इसको देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जो नट्स है वो भी फूल चुके हैं, जो काली मिर्च है वो भी फूल चुकी है, लेकिन अगर आप इसको स्मेल करके देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आप एकदम प्योर ठंडाई के पास बैठे हो या फिर ठंडाई से नहा चुके हो। बहुत ही प्योर फ्लेवर है दोस्तों इसमें। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और फिर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है दोस्तों, मतलब इसमें और भी बहुत कुछ डालना बाकी है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, डाल देता हूँ गुलकंद। गुलकंद आपको भी पता होगा, रोज़ पेटल या फिर गुलाब का प्रिजर्व होता है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ 2-3 बड़े चम्मच के आसपास। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ है, खाने वाली या फिर बिना केमिकल वाली, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डालने के बाद मेरे पतीली में थोड़ा सा पोसत चिपका हुआ था, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अपनी मिक्सी के जार में डाल देता हूँ। बहुत माल है दोस्तों, इसको कुछ वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगा देंगे और फिर इसका एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और पानी डाल दीजिएगा। अभी आप देख सकते हो मैंने एकदम महीन पेस्ट बना लिया है। दूर से देखने में ये ऐसा लगता है कि एकदम दरदरा है, लेकिन पास जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम महीन है। देखिए है कि नहीं। तो चलिए, हम लोग का जो ठंडाई का पेस्ट है ना, वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग कढ़ाई गर्म करते हैं चाशनी बनाने के लिए, फ्लेवर के लिए भी और प्रिजर्व करने के लिए भी। तो बड़ी कढ़ाई मैंने ली है यहाँ पर, उसमें मैंने 300 ग्राम चीनी डाल दी है, मतलब 1.5 कप चीनी डाल दी है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर 1 कप पानी भी डाल दूंगा, जो होता है लगभग 250 ग्राम। अब हम लोग इसमें डाल देंगे केसर 1 बड़ी सारी चुटकी दोस्तों। अभी हम लोग जो केसर डाल रहे हैं ना, ये सिर्फ रंग के लिए डाल रहे हैं, और जब हम लोग ठंडाई पियेंगे ना, तो वो केसर के धागे दिखने के लिए डाल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपको फ्लेम को हाई पर रखना है और फिर इसको पकाना है जब तक चीनी पूरी घुल ना जाए। आपको कोई भी तार वार नहीं बनाना है, अभी सिर्फ चीनी को घुलाना है। और जब चीनी घुलने लग जाती है ना, तब हम लोग ये डालने की तैयारी कर लेंगे जो पेस्ट हम लोग ने बनाया था। अभी आप देखेंगे कैसी ये पूरी चीनी घुल चुकी है। तो अब हम लोग इसमें जो ये काजू बादाम का पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे और फिर इसको बढ़िया तरीके से पकाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग इसमें इतना कुछ माल डाले, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने हाथ से इसमें डालकर अच्छी तरह निकाल देता हूँ। आप चाहो तो स्पैचुला वगैरह से भी इसमें से निकाल सकते हो। अब जो स्टेप है दोस्तों, इसको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाने का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने है ना इतनी सी ठंडाई बनाने के लिए भी कितनी बड़ी सारी कढ़ाई ली है। वो क्यों ली है दोस्तों, क्योंकि ये जो ठंडाई का मिक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा उफनता है, मतलब कभी भी ये कढ़ाई से निकल कर बाहर गिर जाएगा। तो आप भी कोशिश करिएगा बड़ी सारी कढ़ाई लेने की। और हाँ दोस्तों, अभी हम लोग इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे, तो ये क्या होगा, चीनी है और नट्स है, तो क्या होगा, ये 5-7 मिनट बाद एकदम थिक हो जाएगा।
तो आप थोड़ा सा पानी पास में रखिएगा। मैंने इसको लगभग 7-8 मिनट के आसपास पका लिया है और ये एकदम थिक लग रहा है अभी, कलर भी बहुत बढ़िया हो चुका है और गाढ़ा लग रहा है। और इसको 7-8 मिनट पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसे कोलगेट जैसा हो जाएगा दोस्तों। तो उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर अभी पानी डाल रहा हूँ, लगभग मैं अभी यहाँ पर 150 ml के आसपास पानी इसमें डाल रहा हूँ और फिर इसको फिर से 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। टोटल में 15 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग की जो ठंडाई है वो पूरी 15 मिनट तक पक चुकी है, एकदम बुलबुले निकल रहे हैं इसमें से, एकदम अच्छी तरह पका है सब कुछ, पूरे घर में महक हो चुकी है ये ठंडाई मसाला की। अब मैं क्या करता हूँ, गैस को बंद कर देता हूँ क्योंकि सारी कुकिंग हो चुकी है। आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, ऐसी मैंने रखी है, ठंडे होने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और तो अब हम लोग इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तब आप इंस्टेंटली ठंडाई बना सकते हो या फिर इसको आप एक बॉटल में डालकर भी रख सकते हो। जब तक मैं इसको फनल से कांच की बॉटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आपको बोल देता हूँ, ये जो अभी ठंडाई है ना, 1 महीने तक फ्रेश रहेगी, इसका फ्लेवर बढ़िया रहेगा। 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, उसके बाद क्या होगा, इसका फ्लेवर हल्का सा कम होने लग जाएगा। जब आप ठंडाई पीते हो तो जो किक मिलता है ना मसालों का, वो कम होने लग जाएगा। तो आप इसको बॉटल में भर कर ढक्कन लगा कर 1 महीने तक रख सकते हो, लेकिन उतनी टिकेगी नहीं। ये जो सीज़न आई हुई है गर्मी वाली और होली की, इंस्टेंटली 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जो ठंडाई है वो अपने बॉटल में डाल दी है और एकदम बढ़िया लग रही है। अब मैं आपको है ना ठंडाई बनाकर भी दिखा देता हूँ। ठंडाई की जो क्वांटिटी है ना, वो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी स्ट्रांग ठंडाई पसंद करते हो। ठंडक तो देगी आपको अगर आप कम भी डालो तो। मैंने यहाँ पर है ना 1 बड़ी चम्मच के आसपास ठंडाई को एक पतीले में लिया है। अब मैं इसमें पानी मतलब दूध डाल दूंगा। मैं अभी 2 ग्लास ठंडाई बना रहा हूँ फ़ोटो खींचने के लिए। मैंने वैसे अभी फुल क्रीम दूध इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें कोई भी आइसक्रीम या फिर मिल्क पाउडर वगैरह नहीं डालूंगा। आप चाहो तो है ना इसमें आइसक्रीम भी मिला सकते हो। अब जो स्टेप है वो ये जो ठंडाई है इसको अच्छी तरह मिक्स करने का है। आप इसको फेंट भी सकते हो हाथ से कॉफ़ी जैसे, या फिर आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग के घर में बनी हुई ठंडाई बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सर्व कर रहा हूँ ग्लास में डालकर। आप भी बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करिएगा, बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ठंडक देगा आपको। हम लोग को पता है हम लोग ने इसमें क्या क्या चीज़ डाली है। बहुत बार बाजार से बॉटल लेकर आते तो सोचते हैं ये चीनी पी रहे हैं या फिर ठंडाई पी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम लोग ने इसमें खस की जड़ नहीं डाली, 1-2 चीज़ें और नहीं डाली है, लेकिन जो भी हम लोग ने सौंफ डाली है, पोसत डाला है और नट्स डाले, इतने सारे काली मिर्च डाली है, उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप सर्व करने से पहले इसमें ऊपर से पिस्ता भी डाल सकते हो। आप भी बनाइएगा घर में, घर में बनी हुई ठंडाई की बात ही कुछ और है, जो फ्लेवर आता है ना एकदम सुबहान अल्लाह रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ठंडाई की रेसिपी, आप भी ट्राई करिएगा जैसे मैंने कहा था। और ये मेरे पास है जो मैंने बनाकर रेडी करके रखी है, तो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि चीनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत बार जब हम लोग बाजार की ठंडाई पीते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चीनी का किक मिल गया हो, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी ट्राई करिए इसको, मैं एक बार के लिए रख देता हूँ क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ अभी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक क्लिक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी तो आप कमेंट भी करिएगा। लेकिन आप जब ये रेसिपी ट्राई करते हो और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो आप क्या करिए, इसको शेयर करिए ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी खाने के एंजॉय कर सके। तो दोस्तों बस शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो भाई डिसलाइक बटन है ही, उसको क्लिक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है आने वाले वीडियोज़ के लिए कि हाँ भाई ऐसी रेसिपीज़ पसंद नहीं आ रही है लोगों को, और कुछ बनाकर ट्राई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक। मिलता हूँ जल्दी एक और होली की स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।